चलो अब कंट्रोल्स करते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स के लिए आपका यहाँ पे होता है डेवलपर्स में, ठीक है। डेवलपर के अंदर आपके पास होता है इंसर्ट, ये कंट्रोल, ठीक है। ये है फॉर्म कंट्रोल्स, ये है एक्टिव एक्स कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल्स जो होते हैं विदाउट VBA यूज़ होते हैं, ठीक है। एक्टिव एक्स वाले VBA के साथ होते हैं, ठीक है। तो इनको हम यूज़ करते हैं डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए। तो जैसे कि इसका क्या ट्रिक है, फॉर्मूला से चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक दिखाता हूँ कि जैसे एक चार्ट बनाना है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनका इंडेक्स नंबर, ठीक है। और इंडेक्स का एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें से एरे में से इस इंडेक्स पोजीशन के बेस पे वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ चेंज करूँ तो नीचे वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। एक दो चेंज हो रही है। अब इसी के ऊपर चार्ट लगता है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर चार्ट लगता है, स्विच रो कॉलम कर दूं या, ठीक है ठीक है, चार्ट स्टाइल कोई और सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं चेंज करूँगा ये आपका चार्ट चेंज हो जाएगा, है ना। और इसी के लिए हमारा कंट्रोल यूज़ होता है। डेवलपर लिस्ट बॉक्स लेता हूँ सबसे पहले, कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स एक ही जैसे काम करते हैं। कॉम्बो बॉक्स ले लिया मैंने, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्बो बॉक्स। राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल में लास्ट में कंट्रोल है इनपुट रेंज कि इसमें क्या दिखाएगा। इससे हम डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, वही एरे वाला उतना डेटा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ठीक है। सेल लिंक, सेल लिंक वो है जहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट इस एरे में से जैसे ही आप वैल्यू इसमें सिलेक्ट करोगे उसका इंडेक्स इस सेल लिंक में डाल देगा, ठीक है। और ड्रॉप डाउन लाइन्स कितनी होनी चाहिए, 8 दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए वो वहाँ होता है, जैसे 8 है। तो अब ये क्या करेगा, इसमें से जैसे भी 8 वैल्यूज दिखा रहा है ना, कोई भी सिलेक्ट करता हूँ तो उसका इंडेक्स यहाँ पे दे देता है, ठीक है। ठीक है, तो इस टेक्निक से हमारा वो बनता है। अब मैं एक दूसरा वो कर देता हूँ, ये यहाँ से जो सेल लिंक दूंगा इस पे इंसर्ट कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो तो ऊपर वाला था, लिस्ट वाला, ये लिस्ट बॉक्स है। अब इस लिस्ट में भी ऐसे ही वैल्यू आती है, फॉर्मेट कंट्रोल सेम वही है, इनपुट रेंज, सेल लिंक ये वाला दे देता हूँ, 3D शेडिंग थोड़ा। तो इसमें क्या है, जैसे ही आप वैल्यू सिलेक्ट करोगे चेंज हो रहा है ना। दूसरी वाली वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। और इस पे मैं चार्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वैसे नहीं होगा, डिज़ाइन स्विच रो कॉलम, अब एक्सटेंड होगा, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो दूसरा बंदा चेंज होता जा रहा है, यहाँ से चेंज करूँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तब आए जब मैं एक बॉक्स हो मेरा, उसको क्लिक करूँ,
तो लिस्ट और ये समझ गए दोनों, डेवलपर में गया, चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स मैंने लगा दिया, मैंने कहा कि ये होगा मेरा वर्सेस मोड, इसमें दोनों का दिखाएगा। यहाँ पे वर्सेस डाल देता हूँ, ठीक है। इसका जो सेल लिंक दूंगा मैं वो इसके यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है मैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है, चेकड होगा तो ट्रू। तो ट्रू के केस में ये फार्मूला चलना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए या कुछ नहीं आना चाहिए। तो इफ इसको कर देता हूँ मैं फिक्स ट्रू, तो ये फार्मूला, अदरवाइज ब्लैंक कर दें, ठीक है। ये फार्मूला ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो सिंगल सिंगल वर्सेस मोड चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो रेंज है और ये जो रेंज है वो तो सेम है ना? कौन सी? जहाँ पे 13 और 12 लिखा हुआ है। हाँ, पर इसका सेल लिंक अलग है ना। ये देखो सेल लिंक मैंने इसका इससे ले रखा है जो कि इससे कनेक्टेड है, और ये वाला जो वैल्यू है इसमें ये वाले जो सेल लिंक है वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये इसका सेल लिंक, ये इसका सेल लिंक और ट्रू फॉल्स वाला यहाँ है, इनके बेस पे मैं ये सारी वैल्यू चला रहा हूँ, ठीक है। तो विदाउट वीबीए के ये कंट्रोल्स की तरह काम करता है। तो ये चेकबॉक्स आपका ट्रू फॉल्स देता है, ठीक है। और देखते हैं स्पिन बटन, ये स्पिन बटन होता है, स्पिन बटन और स्क्रॉल एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, फॉर्मेट कंट्रोल। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें, 13 है ना। फॉर्मेट कंट्रोल पे गए, ए करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें आप देख दे सकते हो, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, मैक्सिमम 13, और जब आप क्लिक करो तो कितना घटे बढ़े, 1 बढ़े, 2 बढ़े, 5 बढ़े, 10 बढ़े, वो दे सकते हो, ठीक है। सेल लिंक दे देता हूँ मैं पहले वाले को, ठीक है, 2 सेल लिंक दे सकते हो। तो आपका ये क्या है, इससे भी चलेगा और इससे भी चलेगा, ठीक है। स्पिन बटन ऐसे चलता है, और स्क्रॉल, स्क्रॉल वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक बीच का एक और होता है, काम वही करता है, काम वही करेगा ये भी, 1 मिनिमम, 1 मैक्सिमम, 13, 1 पेज चेंज 10 पे ही रहने देते हैं। पेज चेंज वो होता है आपका कि एक जैसे स्क्रॉल करते हैं ना तो वो पेज चेंज हो जाता है, ठीक है। द सेल लिंक, सेल लिंक इसका मैं दूसरे वाला दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, इनसे भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे चार्ट मुझे अजीब सा लग रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, सही से हो नहीं रहा, तो इसकी रेंज को फिक्स कर सकता हूँ मैं, मतलब इसको, ये एक्सिस को, फॉर्मेट एक्सेस या मिनिमम मैक्सिमम अपने आप लेता है ना इसमें, मिनिमम मैं कर देता हूँ 10 और मैक्सिमम मैं कर देता हूँ 90, ठीक है। तो ये क्या है कि अब आपको वैसा चेंज होता नहीं दिखाई देगा, है ना। ठीक है ना, तो ये आ गए लिस्ट बॉक्स स्क्रॉल वगैरह। उसके बाद होता है आपका रेडियो बटन, ऑप्शन बटन जो होता है,
ऑप्शन बटन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको मैं और जगह दे देता हूँ। ऑप्शन बटन, जितने ऑप्शन बटन आप डालोगे उन सबका सेल लिंक एक ही होता है। ठीक है, इसका कोई भी सेल लिंक सिलेक्ट करोगे एक ही हो सकता है। सेल लिंक मैं पहले वाले को ही दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंडेक्स सेट करता है, पहला 1, 2, 3। ठीक है, तो इनके नाम बदल के आप इसके नाम पे रख सकते हो, है ना। और जितने डालते जाओगे ऑप्शन बटन उतना ही वो नंबर लेता जाएगा। तो ये 4, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि हमें इसका यूज जो है वैसे अलग से भी करना होता है, मान लो कि दूसरे के लिए भी चाहिए मुझे, है ना, दूसरे के लिए ऑप्शन बटन चाहिए। तो अब मैं ऑप्शन बटन अगर यहाँ डालूँगा तो वो इसी से कनेक्टेड हो जाएगा, इसी का वैल्यू है, तो उसके लिए एक यूज होता है ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स, अब ग्रुप बॉक्स के अंदर जब आप डालोगे तो वो इस सीरीज से टूट जाएगा। तो ये जो है ये अलग काम करेगा, ये देख रहे हो अलग से काम कर रहा है, वहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर ग्रुप, हाँ कॉपी भी कर सकते हैं कंट्रोल्स को किसी को भी। तो क्या है कि इनका जो लिंक है उसको आपको अलग देना पड़ता है, वो यहाँ दे देता हूँ। अगर ये ग्रुप बॉक्स हटा दूंगा ना तो ये लिंक जो है किसी एक पे ही सेट हो जाएगा। अब ये इस पे भी चल रहा है और इसका वाला अलग से चल ही रहा है ना। तो ये चीज़ है, ग्रुप बॉक्स हटा दूंगा तो ये एक ही में ज्वाइंट हो जाएगा किसी में, जैसे ग्रुप बॉक्स हटा दिया, अब ये एक में ज्वाइंट हो गया, देख रहे हो 6 आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो ग्रुप बॉक्स इसको लिमिट करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यही कंट्रोल है हमारे टोटल, बाकी आपका टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कुछ नहीं यूज़ होता, बटन जो होता है मैक्रो के लिए यूज़ होता है, मैक्रो हम बनाते नहीं। ठीक है, तो ये कंट्रोल होते हैं जो आपके यूज़ होते हैं डैशबोर्ड के लिए। तो अगर मैं इसी को बताऊं, तो यहां देखो यहां क्या है, यहां पे आपके ये जो है ये चार्ट है, नॉर्मल चार्ट है। ठीक है, ये वाला मैंने बता ही दिया कैसे होगा, है ये रे कंट्रोल, ग्रुप बॉक्स के अंदर रेडियो बटन, रेडियो बटन, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, स्टार्ट एंड मंथ के लिए। अब इसका लॉजिक बताता हूँ कैसे इसको किया हुआ है, क्या है इसमें पूरे में, फिर आप बना सकते हो इसको। यहाँ हमारे पास डेटा है, ये लगा लो कि डैशबोर्ड, ये आपका पहला डैशबोर्ड यही है। ठीक है, तो यहाँ डेटा है 24 मंथ की सेल है। सेल कैसे, यहाँ पे मैंने डेट डाल रखी है फिर उसको कन्वर्ट कर रखा है मंथ में। ठीक है, इस तरह से डेटा है। इसमें आपके पास रीजन है, प्रोडक्ट है, कस्टमर टाइप है, सेल्स पर्सन है। मैंने सेल्स पर्सन वाइज चार्ट बनाया है और कस्टमर टाइप, प्रोडक्ट और रीजन ये फिल्टर में रखे हैं, जो कि यहाँ पे है प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन और स्टार्ट मंथ, एंड मंथ, वो मैं मंथ की वहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको किया कैसे है यहाँ पे देखते हैं। इस डेटा में सबसे पहले मैंने क्या किया है, सेल्स पर्सन चार अलग कर लिए। ठीक है, चार ही हैं सेल्स पर्सन और उनकी डेट एज इट इज़ मंथ उठा लिए। उस पर मैंने क्या किया, एक समिफ लगा दिया, समिफ्स लगा दिया,
और उनका सेल लिंक जो है वो यहाँ दिया है, रीजन का यहाँ, प्रोडक्ट का यहाँ, कस्टमर का यहाँ, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या सेट की है मैंने, ये और ये, ठीक है जी, वैल्यू दे दिए। नीचे इंडेक्स का एक फार्मूला लगाया है कि इस सेलिंग के बेस पे यहाँ पे वो वैल्यू लिया है, और इसको मैंने समिफ के अंदर यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोई भी वो होता है तो इसकी पहली वैल्यू उठा लाता है, ठीक है ना, दूसरी वैल्यू, उसी के बेस पे यहाँ पे फिल्टर हो जाता है समिफ के अंदर। तो ये आपको सेक्शन समझ में आ गया, ये वाला है। तो यहाँ पे फिल्टर्ड डेटा आ गया जो कि कंट्रोल से सारा फिल्टर हो रहा था। अब था इसमें कि मंथ वाइज भी करना था मुझे, है ना, ये सब तो हो गया, मंथ ही बचा है। अब मैंने क्या किया, मंथ को इस तरह से लिख लिया अपने पास, मतलब एक लिस्ट बना ली कि कितने मंथ थे टोटल। स्टार्ट एंड, स्टार्ट वाले कॉम्बो बॉक्स का यहाँ पे सेल लिंक है और एंड वाले का यहाँ पे सेल लिंक है। तो वो क्या करता है, उस सेल लिंक में से, इस लिस्ट में से मुझे डेट उठा के दे देता है, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया स्टार्टिंग डेट, यहाँ से पकड़ ली है, इक्वल टू ये डायरेक्ट 2070 दे दिया। और दूसरे वाले में मैंने क्या किया, ई डेट में एक एक जोड़ता चला गया कि अगर ये ई डेट हमारा इससे बड़ा है तो वहाँ ब्लैंक दे दें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे 3 डालता हूँ तो डेट मेरी यहाँ बदल जाती है मार्च तक, और ये मार्च तक का डेटा आता है, ठीक है। इफ एरर का फॉर्मूला लगा के पूरा बना रखा है ब्लैंक, और इसी पूरे पे मैंने क्या है, चार्ट बना दिया है, और जो जिसको वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया ये। और ये गेज के लिए क्या किया है, गेज की कैलकुलेशन सारी मैंने यहाँ अलग से दे दी है, वही पॉइंटर वॉइंटर करके जैसा मैंने पहले बनाया था, वैल्यू पॉइंटर। वैल्यू का मैंने क्या किया है, टोटल सेल, देखो टोटल सेल मैंने वैसे ले ली, और फिल्टर वाली, फिल्टर वाली कहाँ से ले ली, यहाँ से ले ली, ठीक है, ये वाली फिल्टर, ये पूरी ले ली, टोटल वो मैंने डेटा से ले ली ऊपर, है ना। टोटल फिल्टर को डिवाइड करके यहाँ ले आया मैं वैल्यू में, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है टोटल में से, उसका परसेंटेज मैंने यहाँ निकाल दिया ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। पॉइंटर है अपने आप बाकी चल ही रहा है, तो परसेंटेज निकाल रहा है वो गेज, ठीक है ना। तो यही कैलकुलेशन है, इसी के बेस पे ये आसान सा बना हुआ है। पिक्चर पे हमने लिंक दे रखा है, इसका मैंने यहाँ से चूज़ कर रखा है, इसमें 100 डिवाइड बाय 100 करके परसेंटेज वाले फॉर्मेट में करके इसको यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। ऐसे ही मैंने वहाँ पे ये इस तरह से अप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो जैसे ही होता है वो चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये तो बन जाएगा, है ना। तो ये आपका एक डैशबोर्ड और कंट्रोल ख़त्म हो गए, ठीक है। बाकी हम फाइनेंशियल वगैरह तब करेंगे, कि और भी कुछ करना है अभी, फाइनेंशियल फार्मूला कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आपका ये लगा लो कि ख़त्म ही है। नेक्स्ट मेरे ख्याल से एक दो क्लास में एंड हो जाएगा फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले मैंने बता दिए थे, इंफॉर्मेशन एरे और फाइनेंशियल फार्मूला ये रहता है। तो चलो पहले इंफॉर्मेशन वाले फार्मूला बता देता हूँ किस तरह से चलते हैं। मोर फंक्शन में यहाँ इंफॉर्मेशन फार्मूला होता है, सेल एरर टाइप ये सब। तो सबसे पहले देखते हैं सेल का फार्मूला। सेल इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन टाइप, एड्रेस निकालना है, कॉलम निकालना है, कलर निकालना है, कंटेंट निकालना है, फाइल नेम, फॉर्मेट,
तो ये सब अगर निकालना है तो कुछ जैसे एड्रेस लेना है, ठीक है, रेफरेंस देना होगा, तो इसका ये एड्रेस बता देगा, ठीक है। कलर वाला जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए है कि अगर आपका नेगेटिव नंबर पे वो कंट्रोल वन से वो अप्लाई हुआ है यहाँ से कलर, तो ये हमारा कलर वाला फॉर्मूला देता है कलर कलर। इसका मैंने फॉर ये सिलेक्ट, वैसे जीरो देगा, इस पे आपका वन दे देगा जो फॉर्मेट में कलर लगा हुआ है। तो इसी तरह की ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देता है आपका सेल का फार्मूला कि फाइल नेम क्या है, रेफरेंस फाइल नेम क्या है। अच्छा अभी सेव नहीं है तो कोई वो नहीं दिखा रहा, अगर ये फाइल सेव होती तो ये आपको ठीक है। ये पूरा दिखा रहे, ठीक है। तो सेल के फॉर्मूला में इसी तरह की इंफॉर्मेशन होती है, सेल प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, रो कौन सी है, टाइप आपका ये होता है टेक्स्ट वगैरह, वी वी क्या आ रहा है इसके लिए इसको देख लेते हैं क्योंकि इसके सारे ऑप्शन याद नहीं रहते हैं क्या होता है। हेल्प ऑन दिस फंक्शन सेल फंक्शन, ये देखो एड्रेस पे रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट सेल इन रेफरेंस, कलर पे कॉलम नंबर ऑफ द सेल, कॉलम पे कॉलम नंबर ऑफ, कलर पे वैल्यू वन इफ द सेल फॉर्मेटेड इन कलर फॉर नेगेटिव नंबर्स अदरवाइज रिटर्न जीरो, कंटेंट वैल्यू ऑफ द अपर लेफ्ट सेल इन रेफरेंस, फाइल नेम इंक्लूडिंग पाथ, फॉर्मेट टेक्स्ट वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर फॉर्मेट्स, तो नंबर फॉर्मेट्स के हिसाब से ये फॉर्मेट आपको देता है, ठीक है। पैरेंथीसिस वैल्यू इफ द सेल इज फॉर्मेटेड विद पैरेंथीसिस फॉर पॉजिटिव और ऑल वैल्यूज अदरवाइज रिटर्न्स जीरो, प्रीफिक्स टेक्स्ट वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेबल प्रीफिक्स ऑफ द सेल रिटर्न्स कोटेशन मार्क इफ द सेल कंटेंस लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट डबल कोटेशन मार्क इफ द सेल राइट अलाइंड, तो अलाइनमेंट क्या है वो भी आपको दे देता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड जीरो सेल नॉट लॉग अदरवाइज रिटर्न वन अगर सेल लॉग्ड है तो, और रो नंबर टाइप डेटा इन सेल रिटर्न्स बी फॉर ब्लैंक इफ सेल इज एम्प्टी, एल फॉर लेबल इफ द सेल कंटेंस टेक्स्ट एंड वी फॉर वैल्यू इफ द सेल कंटेंस एनीथिंग एल्स, ठीक है। विड्थ, तो ये आपका इंफॉर्मेशन फार्मूला, ये इंफॉर्मेशन सेल जो है आपका इस तरह से देता है, ठीक है। अब इसका भी मैंने यूज किया था एक जगह, एक होता है हमारा इन्फो का, इन्फो में आपका डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी और फोल्डर नम फाइल एक्टिव वर्कशीट्स ओरिजिन टॉप ऑफ टॉप एंड लेफ्ट मोस्ट विजिबल सेल, जैसे हम इसमें आ जाते हैं ना यहाँ से लगाते हैं तो यहाँ पे आपका ये दे देगा इन्फो ओरिजिन, तो ये B1 बता रहा है ना, B1 आपकी लेफ्ट मोस्ट विजिबल सेल है। तो इस तरह की ये इंफॉर्मेशन देते हैं ये फार्मूला। OS वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन विंडोज का, रीकैल्क रीकैलकुलेशन मोड ऑटोमेटिक, रिलीज एक्सेल का वर्जन, और सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है,
पीसी डॉस विंडोज़ के लिए देता है, मैक मैक होता है तो मैक दे देता है, ठीक है, पीसी डॉस और मैक इस तरह से दे देता है ये अलग से, ठीक है। इस अब इसका सेल का मैंने यूज़ किया था एक बार, क्या था कि मेरे को पास एक क्वेरी आई, जैसे ये है डेसिमल में कुछ वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से डेसिमल कम कर देता हूँ, ठीक है। अब उनकी क्वेरी थी कि उनके पास ऐसे लाखों नंबर्स थे, अब वो ये था कि अभी ये फॉर्मेटेड है, बैकग्राउंड वैल्यू पीछे की वैल्यू कुछ और है, आगे की कुछ और है, वो कह रहे हैं कि जो विजिबल है ना हमें वही वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने एआरपी में वही वैल्यू डाली है, हाँ, और तो उसका टोटल और इस फाइल का टोटल अलग अलग आ रहा है, क्योंकि सम का फार्मूला तो अलग अलग कर देगा, पॉइंट का जरा सा डिफरेंस लाखों का मतलब है, बहुत का उनका डिफरेंस आ रहा था, करोड़ों की वैल्यू का डिफरेंस आ रहा था। कह रहे हैं अब हमें विजिबल का चाहिए किसी भी तरह से। मैंने कहा यार विजिबल का कहाँ से करूँ मैं, ऐसा तो कोई था ही नहीं। मैंने कहा सेल को एक बार देखता हूँ सेल क्या बताता है मेरा। तो सेल के फंक्शन ने से मैंने उठाया फॉर्मेट और सिलेक्ट किया इसको, तो यहाँ मुझे आंसर मिल गया। F2 मतलब 2 डेसिमल प्लेस, F3 मतलब 3 डेसिमल प्लेस विजिबल में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट का फार्मूला लगाया और इसमें F को डिलीट करा दिया, ठीक है, और राउंड ले लिया इस नंबर से इसका, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई और उसका वो आ गया, ठीक है। अगर इसको आप अभी तो फॉर्मेट एक ही है जैसा है, पर इसको पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दूंगा तो वही आएगा जो विजिबल था, ठीक है ना। तो ये लगा के मैंने एक फार्मूला उनको दे दिया एक करके, है ना। तो मतलब इसका पहले मेरे को एग्जांपल नहीं पता था कि करना क्या है, पर जब मेरे पास प्रॉब्लम आई तो मुझे ये फार्मूला में मैंने ढूंढा, क्योंकि गूगल पे भी मैंने सर्च किया था नहीं मिला था मुझे इस चीज़ का कोई। तो ये फार्मूला ऐसे फार्मूला है, कब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको खुद नहीं पता, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फार्मूला में और क्या है हमारे पास, एरर टाइप की कौन सी एरर है, ठीक है, एन ए है, नेम वाली है, कौन सी है, इसको देख लो ये फार्मूला क्या क्या देता है। एरर टाइप, हाँ, नल हैश नल माइनस वन, फाइंड द आइडेंटिफाइंग नंबर फॉर नल, एरर वैल्यू, ये नंबर आपको देता है अगर नल होता है तो। यहाँ पे एन ए का फॉर्मूला है एन ए की एरर के लिए, ठीक है, तो नंबर दे देता है किसी में कि कौन सा एरर टाइप है, वो नंबर दे देगा आपको, नंबर यही वाला है एरर टाइप, ठीक है, 7 जो है एन ए, ठीक है। तो एरर का पता लगाने के लिए ये डैशबोर्ड्स वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन फार्मूला है ना, इस ब्लैंक है कि सेल ब्लैंक है कि नहीं है, इज ब्लैंक, ये इज वाले फार्मूले सारे ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देते हैं, ठीक है। इज एरर, इज एरर और इज ईआरआर और इज एरर दो फार्मूले एक जैसे हैं जो पता लगाते हैं कि एरर है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स में देते हैं। तो एक्सक्लूडिंग एन ए मतलब इज ई आर आर इसको एक्सक्लूड करता है, तो इसको एरर नहीं मानता है, ठीक है, पर इज एरर मानता है। अगर यहाँ कुछ और हो कि डिवाइड बाय ज़ीरो वाली एरर है तो इसके नज़र में वो एरर है, पर एन ए वाली एरर
इसकी नज़र में एरर नहीं है, तो इस एरर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू आ रहा है। और कौन से फंक्शन है इसमें? इज इवन, इवन है कि नहीं, इस फार्मूला, फार्मूला लगाए कि नहीं, इज लॉजिकल ट्रू फॉल्स है कि नहीं, इज एन ए, एन ए वाली एरर है कि नहीं, इज नॉन टेक्स्ट के मतलब नंबर है क्या है, टेक्स्ट ने है कि नहीं, इज नंबर नंबर है कि नहीं, इज ऑड ऑड है कि नहीं, इज रेफ रेफ, चेक वेदर अ वैल्यू इज रेफरेंस और नॉट। ठीक है, तो वो एड्रेस है कि नहीं ये चेक करता है, इस टेक्स्ट टेक्स्ट है कि नहीं, एन का फार्मूला नंबर चेक करता है ना, एन ए, एन ए एरर के लिए होता है। बाकी शीट्स का क्या है, शीट रिटर्न द शीट नंबर ऑफ रेफरेंस्ड शीट, तो जिसमें होता है तो उसका शीट नंबर, शीट्स शीट नंबर द नंबर ऑफ शीट्स इन ए रेफरेंस, कोई रेफरेंस होता है, मल्टीपल एड्रेस होते हैं ना एक ही है, तो उसमें नंबर ऑफ शीट्स दे देगा। टाइप, टाइप के अंदर ये देता है आपको टेक्स्ट, नंबर के लिए 1, टेक्स्ट के लिए 2, लॉजिकल के लिए 4, एरर वैल्यू के लिए 16, एरे के लिए 64। इस तरह से आपको तो इन्फॉर्मेशन फार्मूला इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल फार्मूला में कुछ टर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, एफ वी, पी वी और एन पर, पर और क्या होता है, रेट, पीएमटी। ठीक है, तो ये टर्म्स होती हैं, इस ये चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड्स, एन पर होता है आपका टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम, पर जो होता है प्रीमियम खाली कि कौन सा प्रीमियम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, रेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीएमटी होती है पर मंथ आपकी जो मतलब वो देते ना पेमेंट, पर मंथ ट्रांजैक्शन कह लो इसे, हालांकि इसका एक्चुअल पता नहीं क्या है। तो ये टर्म्स आपकी इसमें यूज़ होती हैं। तो मान लो कि आपके पास आपको क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी है 50,000 एक फंड की। ठीक है, आप कह रहे हो कि इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 14% से ईयरली से टोटल जो टाइम है वो जो हमारा 12 एक साल का ईयर में दे देते हैं, टाइम को ईयर में एक साल, इसके बाद जो है एफ वी क्या रहेगा, फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है एफ वी, रेट, रेट दे देंगे, रेट जो है डिवाइड बाय 12 हो जाएगा क्योंकि ईयरली नहीं चलता, मंथली चलता। ठीक है, एन पर जो है टाइम, नंबर ऑफ प्रीमियम इसमें 12 होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया, है ना। पीएमटी या पीवी इसमें से दे सकते हैं कुछ भी, तो पीएमटी हम 0 मार लेते कि हमने किस्तों में नहीं देना, एक साथ देना है प्रेजेंट वैल्यू। इसकी टोटल वैल्यू बनेगी ये 57,467 एक साल बाद। ठीक है, पर ये हमेशा नेगेटिव में शो करेगा आपको, ये जो फार्मूला होते हैं हमेशा नेगेटिव में ही वैल्यू देते हैं, फाइनेंशियल फार्मूला देते ही नेगेटिव में वैल्यू। अगर वैसे करना है इसको पॉजिटिव में चाहिए तो एबीएस का फार्मूला लगा के ले लो। ठीक है, अब इसी में हम निकालते हैं कि पीवी हमारे पास ये है
हम कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं 1500 रुपये महीने के जमा करा रहा हूँ और इतना मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो PMT जो हो गया मेरा वो 1500 हो गया। अब 1500 के हिसाब से इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे मिलेगा? PMT 0 की जगह मैं PMT में B9 डाल दूंगा और PV को कुछ नहीं करूंगा। तो ये एक साल बाद मेरा ये अमाउंट बनेगा, ठीक है, जब मैं किस्तों में देता हूँ। अब किसी जगह फ्यूचर वैल्यू ले लें कि फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे 14% और टाइम मैं 1 साल का फॉलो करूँगा तो कितना मुझे महीने का देना है, ठीक है। तो इसमें मैं लगाऊंगा PMT का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आ गया रेट डिवाइडेड बाय 12, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 12, PV नहीं है हमारे पास, PV 0, FV मैं बोलता हूँ ये है, ठीक है। तो 7812 रुपये 5 पैसे की इसकी मुझे किस्त देनी है ताकि मेरी फ्यूचर वैल्यू इतनी बन जाए, ठीक है। तो हमने हाँ लोन वोन को इससे कैलकुलेट करो। हाँ, मैं तो क्या करता था ना, जैसे मजाक में दोस्तों को उधार दिया ना तो उनको पूरा शीट बना के दे देता था, ले जाओ इतना तुम्हारा बन गया। बैंक की तरह, बैंक से प्योर मैच करेगा। कभी लोन आप करोगे ना इन फार्मूले से मैच करने की कोशिश करोगे तो मैच करेगा। उसमें आपको क्या करना है, फाइल चार्ज जोड़ना होता है और उनका इंश्योरेंस चार्ज या जो भी होता है वो एक्स्ट्रा चार्ज जो होते हैं उसको जोड़ दो और ये इससे फिर निकल आता है, ठीक है। हमने तो लोन करने के लिए आते थे ना, लोग गुडी के सामने निकाल के दिखा देते थे, उनको नहीं पता होता था कि क्या होता है। और फिर मैं उससे खुद ही पूछता था फाइल चार्ज कितना है, इसमें कितना है, ये फिर निकाल के यही है ना। हाँ। तो FV PV आपके इस तरह से काम आते हैं। FV पता पड़ गया, PV निकालना आ गया है। PV का भी फॉर्मूला ऐसा होता है कि अगर मुझे इतना है तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू मतलब एक साथ जमा कर दूं तो क्या रहेगा, अगर मैं PV निकालूं यहाँ से कि एक साथ दूं तो क्या पड़ेगा। तो इतने FV के लिए तो मैं PV का फॉर्मूला लगाऊंगा, रेट डिवाइडेड बाय, क्योंकि इकट्ठा देंगे तो कुछ और होगा, उस पर इकट्ठा ब्याज लगना चालू हो जाता है ना। किस्तों में तो किस्तों वाले पे जितना थोड़ा थोड़ा आया उस पर लगा है, तो डिवाइड बाय 12 और एन पर मल्टीप्लाइड बाय 12। PMT नहीं मैं निकालूंगा इस बार, FV से। नहीं नहीं वो फिर भी टाइम आता है, क्या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये सब है ना, इनकी मंथली में कैलकुलेशन चलती है, चाहे एक साथ दे दो चाहे वो कर दो, वो मंथली पे लगाएंगे पूरा, इसीलिए अलग होता है। हम लोग एक साथ करते हैं ना, पर बैंकिंग जो है मंथली में चलती है, आजकल तो डेली में भी चलने लगी है। ठीक है, तो ये कह रहा है 87,000 रुपये इतने रुपये दे दो और 1 साल बाद 1 लाख ले लेना इस स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। अब जैसे PMT आ गया 1 लाख के लिए इतना, ठीक है, आपने लोन ले लिया मतलब प्रेजेंट वैल्यू PV ले लिया 50,000, PV ले लिया आपने 50,000, ठीक है, आपने बैंक ने आपको दिया, रेट जो लगाया वो आपका 14% लगा दिया, ठीक है, और टाइम जो है आपने कहा कि मैं चलो 3 साल में भरूंगा, हैं, तो उसने आपको पर मंथ की किस्त निकाल के दे दी कि PMT रेट डिवाइडेड बाय 12 एन पर टाइम जो हो गया मल्टीप्लाइड बाय 12
और पीवी ये दे दिया, तो उसने कहा 1708.88 रुपये आपकी किस्त बनी है। अब आपको ये चेक करना है कि ये वाकई में मैं मतलब इनका है क्या, चक्कर क्या है, मंथली का है क्या, किस हिसाब से कराया इन्होंने। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं कि हमारा पर मंथ का, पहले तो प्रीमियम कितने रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, तो मेरे होंगे 12 36 वो होंगे। फिर इसमें मेरा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर रहा हूँ, और इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, ठीक है। फिर टोटल, टोटल जो आएगा हर मंथ की किस्त के बराबर ही होगा, है ना, कि ये हर में कैसे कैसे 1708 में क्या क्या रहता है। तो प्रीमियम की मैं लगा दूंगा पूरा इसको 36 तक खींच देता हूँ, 36, है ना। अब जैसे पीएमटी है तो प्रिंसिपल के लिए हमारे पास है पीपीएमटी, पीपीएमटी में रेट F4 डिवाइडेड बाय 12। अब ये देखो PER है प्रीमियम, ये मैं यहाँ से दूंगा, ठीक है। N पर टोटल कितना है वो ये है, मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। और PV जो है वो ये है फिक्स, ठीक है, तो ये है। इंटरेस्ट के लिए हमारे पास है फार्मूला IPMT, जैसे PPMT है ना, वैसे IPMT, प्रिंसिपल PMT और इंटरेस्ट PMT, और इनको कर लेते हैं टोटल हम, तो ये निकल आई, ठीक है। इस फार्मूला को डाउन कर लेते हैं, तो देखो किस्त सेम आ रही है पर हर महीने प्रिंसिपल क्या जा रहा है। तो पहले ये क्या करते हैं, आपसे इंटरेस्ट वसूल करते हैं, मैक्सिमम इंटरेस्ट लो PM, तो जाते जाते लास्ट में क्या हो जाता है, हाँ, तो मतलब आप 27-28 किस्तें भर चुके हो, फिर उनसे कह रहे हो मैं तो इतना पैसा भर चुका, पर असल में प्रिंसिपल आप बाद में भर रहे होते हो, ब्याज वो आपसे पहले ले लेंगे, है ना। तो ये खेल होता है सारा, है ना। अब आपने टोटल इंटरेस्ट कितना भरा, सम लगा लिया मैंने, ये रहा आपका टोटल इंटरेस्ट 11,519 रुपये, और सम प्रिंसिपल कितना भरा, ये ठीक है, टोटल कितना भरा आपने, ठीक है ना। पर अब ये लगा लो कि इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई एक फॉर्मूला हो जिससे मैं एक सेल के अंदर ये लंबी कैलकुलेशन करे बगैर ये निकाल सकूं इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक एरे फार्मूला, और अपनी नेक्स्ट क्लास से फिर हम एरे पे चलेंगे। तो एरे के अंदर मैंने क्या किया था, सम किया था इन सारी वैल्यूज़ का, सम किया मैंने, IPMT का फार्मूला था मेरा, रेट डिवाइड बाय 12, PER, यहाँ पे ये जो 1 to 60 मैंने दिया है अलग अलग, अब इस फार्मूला को मैं एक फार्मूला से, जैसे रो 1:60 यहाँ से, मतलब 1 से 60 तक की वैल्यू दे दी, और n पर मैं मैंने यहाँ मेरे पास टाइम है मल्टीप्लाइड बाय 12, PV 50,000, ठीक है। अब मुझे दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अयो क्या हो गया यहाँ, IPMT कहीं एरर आई है, क्या एरर आई है, रो 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 सम, अच्छा ब्रैकेट तो क्लोज कर दिया मैंने,
यहाँ पे मैंने पीवी लिया है, पीवी कौन सा लिया है, बी 15। एफ वी वगैरह जीरो डालने की जरूरत, एक मिनट, रो की जगह मैं कुछ और कॉलम यूज़ कर दूँ, कॉलम नहीं यार, यहाँ से आईपीएमटी का क्या फॉर्मूला लिया था मैंने, ये पिक कर लेता हूँ। कोई नहीं, वैसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर चलो यही फार्मूला मैंने पेस्ट मार दिया। और यहाँ जो A21 ले रहा हूँ यही मुझे खेल करना है, और रो 1 से, अच्छा 60 तक तो था ही नहीं ना, 36 तक था है ना। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये रहा आ गया 11519 है ना। तो इस फार्मूले ने क्या किया, यहाँ से इवेल्युएट फार्मूला करता हूँ, ये जो रो वाला फार्मूला कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ लगता है यहाँ पे, ये आ रहा है, ये क्या करता है, इसी फार्मूले को उतनी बार आपका स्प्लिट कर देगा। जैसे 1 2 3 4 36 तक आ रहा है ना, यहाँ 36 तक ये वैल्यू आई, इवेल्युएट करेगा, और तो आईपीएमटी का फार्मूला जब खुलेगा पूरा तो ये नंबर जनरेट करेगा जो कि आपके ये वाले हैं, पहला 583, फिर 570, फिर 556, ये सारा इसने सम को दे दिया, तो इसने सम कर दिया। तो ये होता है एरे फार्मूला, और आगे मैं बताऊंगा कि एरे फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।